नमस्कार, वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। वीप समूह के सभी मतदान केंद्रों से मतदान हुए ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की प्राप्ति प्रक्रिया पूरी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रत्याशी उम्मीदवारों और चुनाव कर्मियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को किया गया सील। और 1 जून को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल आयोजित और प्रकाशित करने पर प्रतिबंध। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतदान हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्राप्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। कल जहाज से कैम्बल बे से आए इन मशीनों की पूरी सुरक्षा के साथ जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इसके साथ ही द्वीप समूह के सभी मतदान केंद्रों से मतदान हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कैम्बल बे से मतदान सामग्रियों को प्राप्त करने के तुरंत बाद चुनाव के जनरल ऑब्जर्वर बीएन सिंह, चुनाव अधिकारी अर्जुन शर्मा और अन्य चुनाव एवं पुलिस कर्मियों के पर्यवेक्षण के तहत स्ट्रांग रूम को सील किया गया। सीलिंग प्रक्रिया भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों और प्रत्याशी उम्मीदवारों की मौजूदगी में की गई। मतदान सामग्रियों की सुरक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अंडमान निकोबार पुलिस कर्मी तथा सीआरपीएफ 24 घंटे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून को शाम 6:30 बजे की अवधि के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रसार के माध्यम से एग्जिट पोल का प्रचार करना चाहे जो भी हो, आम चुनाव के संबंध में प्रतिबंधित रखा गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या फिर अन्य पोल सर्वे में परिणामों सहित चुनाव मामलों को प्रदर्शित करना मतदान की समापन के लिए निर्धारित घंटों सहित समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि तक प्रतिबंधित रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि जागरूक बने और कानून के तहत परिकल्पित प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी प्रकार के कृत्य के लिए सतर्क रहे। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल प्रात्रापुर में कल अंडमान निकोबार पुलिस के पीएमटी में प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टरों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। पुलिस महानिदेशक ने अपने संबोधन में प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टरों को प्रोत्साहित किया। एक अपील मैं करना चाहूंगा कि अपने कर्तव्य में ईमानदारी, पेशेवरता के महत्व को हमेशा याद रखें, अपने काम में हमेशा न्याय और औचित्य के सिद्धांतों को बनाए रखें। आपकी भूमिका बहुत अहम है और मैं फिर एक बार भरोसा करता हूं कि आप अपने कर्तव्यों को उत्कृष्टता से निभाएंगे। आपके श्रेष्ठ योगदान से अंडमान निकोबार पुलिस को और मजबूत करने में मदद मिलेगा। मैं आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पुलिस महानिदेशक और अन्य पुलिस अधिकारियों ने इन सब इंस्पेक्टरों को तमगा लगाया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान अनिम्स ने हाल ही में पोर्टब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में त्वचा विभाग में सर्जरी की शुरुआत की है। यह अत्याधुनिक सुविधा के से त्वचा संबंधी देखभाल में क्रांतिकारी बदलाव आ सकती है, जो विभिन्न प्रकार की त्वचा स्थितियों के लिए उन्नत सर्जिकल समाधान प्रदान करेगी। जीबी पंत अस्पताल के कमरा संख्या 42 में त्वचा सर्जरी की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है। त्वचा विभाग के डॉक्टरों की टीम में से एक डॉक्टर अलीशा सलीम को मुंबई से विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। चिकित्सक को मोल्स, मस्से,
वसा में सिस्ट, डर्माइट सिस्ट और कई सौम्य ट्यूमर को हटाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। शुरू की गई अन्य कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं में वे शामिल है जिनका उद्देश्य त्वचा की उपस्थिति को बढ़ाना है, जिसमें निशान संशोधन और निष्कासन, त्वचा ग्राफ्टिंग, कान लोब की मरम्मत, मुहासे और त्वचा के मलिन किरण के लिए रासायनिक पील्स शामिल है। बालों से संबंधित सर्जरी जल्द ही शुरू किए जाएंगे। पोर्टर के प्रात्रापुर स्थित महावीर नगर में हनुमान मूर्ति उद्घाटन समारोह का पूजा कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। ये पूजा कार्यक्रम 25 अप्रैल तक चलेगा। इसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर मूर्ति के उद्घाटन समारोह में पूजा पाठ में शामिल हुए। विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम भी हुए। आरती के बाद प्रसाद वितरण का भी आयोजन हुआ। गैराचरामा सब स्टेशन में एमवीए पावर ट्रांसफार्मर का तत्काल मरम्मत कार्य कल 24 अप्रैल को किया जाएगा। इस कार्य के चलते पोर्बर और दक्षिण अंडमान के कई इलाकों में कल सवेरे 6 बजे से सवेरे 8 बजे तक 2 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। जहाज एमवी स्वराज द्वीप कल पोर्टब्लेयर से चेन्नई के लिए प्रस्थान करेगा। यात्रियों को कल सवेरे 7 बजे से 8 बजे के बीच जहाज पर चढ़ाया जाएगा। जहाज कल सवेरे 9 बजे पोर्टब्लेयर से छूटेगा। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप समूह के सभी मतदान केंद्रों से मतदान हुए ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की प्राप्ति प्रक्रिया पूरी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों, उम्मीदवारों और चुनाव कर्मियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को किया गया सील। और 1 जून को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल आयोजित और प्रकाशित करने पर प्रतिबंध। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।